शिवपुरी में हुए एक कार्यक्रम में सिंधिया को हराने वाले केपी यादव ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से जमकर शिकायत की। दरअसल गुना से सांसद केपी यादव ने कहा कि शिवपुरी में जलावर्धन योजना में घटिया काम हो रहा है, करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी शिवपुरी की जनता प्यासी है। इतना ही नहीं, नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत भी सीएम शिवराज से की। पाइप बहुत ही खराब क्वालिटी के लगे हैं, तो आपसे आग्रह है कि अगर वो पाइपलाइन पूरी चेंज हो जाए तो शिवपुरी को पानी की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति निश्चित ही होगी। जिसके बाद सीएम शिवराज ने एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड किया और सीएमओ को भी सस्पेंड कर दिया। आज मुझे एक बात बताओ, सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? और इसलिए शिवपुरी में जो कुछ गड़बड़े हुई है, काम ठीक नहीं हुए, जानकारी मुझे जनता से मिली है, और जो शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूं तत्काल। वहीं इस दौरान मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे।